नमस्कार, मैं पंकज आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में बात करते हैं, नया IPO जो आया हुआ है FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड का, जिसका कि आप ब्रांड नायका ब्रांड के नाम से ये फेमस है। नायका ब्रांड एक यह जो इंडिया में आप देखते हैं तो ये उभरता हुआ ई कॉमर्स कंपनी है। तो इसका यदि प्रोडक्ट का बात करें तो इसका जो प्रोडक्ट है ब्यूटी प्रोडक्ट है, वेलनेस प्रोडक्ट है, साथ ही फैशन प्रोडक्ट भी है। तो ये कंपनी जो है इसका व्यवसाय है मेन है व्यवसाय ई कॉमर्स का व्यवसाय है। तो इस कंपनी का जो है कुछ प्रोडक्ट भी है, साथ ही बाकी जो है और प्रोडक्ट दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट भी ये जो ई कॉमर्स का जो वेबसाइट है उससे ये सेल करती है। और इसका आपको ऑल इंडिया डिलीवरी मिलता है, कहीं भी आप इसमें जो है मंगा सकते हैं। तो ये तेज़ी से उभरता हुआ एक ब्रांड है नायका, जो कि ई कॉमर्स में ये जो है तेज़ी से उभर रहा है अभी। तो चलिए इसका पूरा डिटेल देखते हैं, IPO का पूरा डिटेल देखते हैं। FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड 2012 से ये कंपनी व्यवसाय कर रही है, ई कॉमर्स का व्यवसाय कर रही है। तो इसमें जो है टेक्नोलॉजी बेस्ड ये जो है सर्विस प्रोवाइड करती है, साथ ही ब्यूटी प्रोडक्ट और जो है फैशन प्रोडक्ट और वेलनेस प्रोडक्ट यानी कि हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ये कंपनी जो है सेल करती है और मैन्युफैक्चरिंग भी ये कंपनी करती है। तो इसका जो फ्लैगशिप ऐप जो है नायका ऐप है, साथ ही इसका ब्रांड भी नायका ब्रांड से ये कंपनी फेमस है, जो कि 2012 से ये ई कॉमर्स सेक्टर से ये कंपनी जुड़ा हुआ है, तभी से ये कंपनी व्यवसाय कर रही है। नायका FSN ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड का प्रमोटर्स का यदि बात किया जाए तो यहाँ फाल्गुनी नायर और संजय नायर ये दोनों इसका भी प्रमोटर्स हैं। उसके बाद अगर यदि IPO का डिटेल देखते हैं तो डिटेल इस प्रकार से है, IPO का जो इशू साइज है 5352 करोड़ का इशू साइज है IPO का, और जो IPO जो ओपन हो रहा है ये 28 अक्टूबर 2021 से ये IPO ओपन हो रहा है, और जो क्लोजिंग डेट है 1 नवंबर 2021 को ये IPO जो है क्लोज हो जाएगा। तो उस बीच में आप इसमें बिड लगा सकते हैं, आवेदन दे सकते हैं IPO के लिए, और जो IPO का जो टाइमिंग है 10 बजे से शाम 5 बजे तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और IPO का इशू साइज है 5352 करोड़ का है, फ्रेश इशू है 630 करोड़ का फ्रेश इशू है, ऑफर फॉर सेल जो है 4,19,72,660 इक्विटी शेयर है, इशू जो है फेस वैल्यू यदि देखा जाए तो फेस वैल्यू 1 रुपया है, प्राइस बैंड जो है रखा गया है बिड प्राइस जो रखा गया है 1085 से 1125 तक का यहाँ पर जो है बिड प्राइस रखा गया है। तो यदि इसका पूरा डिटेल आप देखना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे देंगे, तो वहाँ से आप पूरा इसको डिटेल को देख सकते हैं। और लिस्टिंग जो होगा लिस्टिंग NSE BSE दोनों में ये जो है ये कंपनी दोनों में लिस्ट होने वाला है, और मिनिमम क्वांटिटी जो है लॉट जो है 12 शेयर का लॉट है इसमें। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर यदि कट ऑफ प्राइस में देखते हैं तो 13,500 का यहाँ पर जो है एक लॉट में आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और अगर यदि मैक्सिमम इंडिविजुअल में अगर यदि आप देखते हैं तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होने वाला है 1,89,000 का, जो कि 14 लॉट आपको इसमें मिल जाएगा। उसके बाद अगर यदि कोटा का बात किया जाए तो रिटेल कोटा में 10% के लिए यहाँ पर रखा गया है रिजर्व रखा गया है, QIB के लिए 75% है, NII के लिए 15% है, और जो है इम्प्लॉई को 100 रुपये का यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है इस IPO में। तो चलिए नायका IPO का डेट टाइम टेबल और अलॉटमेंट रिफंड ये सारा चीज़ भी देख लेते हैं। तो IPO जो है ओपन 28 अक्टूबर को हो रहा है, क्लोज 1 नवंबर 2021 को हो रहा है, और एप्लीकेशन का जो टाइमिंग है 10 बजे से 5 बजे तक आप इसमें शाम 5 बजे तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर अलॉटमेंट डेट जो है 8 नवंबर को ये जो है यदि आपको मिलने का है तो 8 नवंबर को आपको जो है अलॉट हो जाएगा। उसके बाद 9 नवंबर को यदि आपको नहीं मिलता है तो जो भी पैसा आपका होल्ड होता है वो आपको यहाँ पर 9 नवंबर को रिफंड हो जाता है, 9 को नहीं होता है 10 को हो जाएगा, इसमें जो है 9 के बाद से यहाँ जो है रिफंड आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका डीमैट अकाउंट में शेयर जो है 10 नवंबर को आपका डीमैट अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएगा, यदि आपको IPO में मिलता है तो आपका क्रेडिट हो जाएगा 10 नवंबर को। और IPO का अगर यदि लिस्टिंग डेट देखते हैं NSE BSE में तो ये जो है लिस्ट जो हो जाएगा 11 नवंबर 2021 को यहाँ पर जो है ये लिस्ट हो जाएगा। तो चलिए इस IPO जो लाया जो है इस IPO का ऑब्जेक्ट्स को देख लेते हैं, ये जो जो भी पैसा जो मार्केट से उठा रही है कंपनी वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी। तो यहाँ देख सकते हैं कंपनी जो है नायका फैशन जो है न्यू रिटेल स्टोर जो है यहाँ पर ओपन करने वाला है, उसमें जो है जो भी IPO से अमाउंट आता है खर्च करने वाली है कंपनी, रिटेल स्टोर जो है कंपनी ओपन करेगी। उसके बाद जो है न्यू वेयर हाउस यहाँ पर जो है ओपन होने वाला है। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं रीपेमेंट और जो है प्री पेमेंट है, कुछ आउटस्टैंडिंग ब्रोई जो है उसको यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा, जिसमें कि आपका नायका ई रिटेल है ये सब का कुछ ब्रोई है तो सबको यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ जो है कस्टमर
जो है एडवर्टाइजमेंट में यहाँ पर कुछ जो है ब्रांड को जो है विजिबल करने के लिए यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया जाएगा, खर्च किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ब्रांड वैल्यू को जो है, यानी कह सकते हैं एड के लिए विजिबल बनाने के लिए यहाँ पर जो है इसको खर्च किया जाएगा इस पैसे को। उसके बाद जनरल कॉरपोरेट पर्पस है। चलिए अब कंपनी का स्ट्रेंथ को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले में जो है इंडियाज वन ऑफ द लीडिंग स्पेशलिटी ब्यूटी एंड पर्सनल केयर कंपनी। तो ये जो है इस सेक्टर में एक लीडिंग कंपनी है। आप देख सकते हैं पर्सनल केयर और जो है ब्यूटी और पर्सनल केयर में ये लीडिंग कंपनी है। मेजर ब्रांड ऑफरिंग देयर प्रोडक्ट्स ऑन नायका प्लेटफॉर्म फॉर सेल, यानी बहुत सारा कंपनी जो है इसका जो टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विस है इसको देखते हुए बड़ा बड़ा ब्रांड जो है यहाँ सेल के लिए इसमें कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है नायका से, जो कि आपका इसका ई कॉमर्स वेबसाइट में आपको सारे प्रोडक्ट जो है बड़ा बड़ा ब्रांड का प्रोडक्ट आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाता है। कंपनी का एडवांस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है जिसमें है कंपनी का, तो आप देख सकते हैं जिस वजह से ये कंपनी जो है राइज कर रही है। यहाँ मैनेजमेंट टीम अच्छा है, इसके साथ में एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, तो ये सब जो है प्लस पॉइंट है कंपनी का। चलिए अब जो है फाइनेंशियल डाटा देख लेते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल डाटा को देख लेते हैं। तो यहाँ जो है ये 3 ईयर का यहाँ पर दिया हुआ है डाटा, यहाँ पर फाइनेंशियल डाटा जो है ये करोड़ में है ये डाटा। तो देख सकते हैं जो है टोटल एसेट जो कंपनी का था 31 मार्च 2019 को 776 करोड़ का था टोटल एसेट्स। उसी को अगर यदि 31 मार्च 2020 को अगर यदि आप यहाँ पर देखते हैं तो 1124 करोड़ का यहाँ पर जो है एसेट बढ़ा है कंपनी का। उसके बाद जो है आप यदि आप 31 मार्च 2021 को देखते हैं तो 1302 करोड़ का यहाँ पर कंपनी का जो है यहाँ पर एसेट हो गया है। और अगर यदि रेवेन्यू का बात करते हैं तो 31 मार्च 2019 को जो है कंपनी को जो टोटल रेवेन्यू हुआ है 1116 करोड़ का यहाँ कंपनी को टोटल रेवेन्यू हुआ है अर्जित की है। उसके बाद जो है 31 मार्च 2020 को देखते हैं तो 1778 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है। उसके बाद अगर यदि 31 मार्च 2021 को देखते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी ने अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया है, यहाँ पर 2453 करोड़ का यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है। तो देख सकते हैं रेवेन्यू में जो है लगातार कंपनी का यहाँ पर देख सकते हैं वृद्धि हो रहा है। उसके बाद अगर यदि प्रॉफिट का बात करते हैं, शुद्ध प्रॉफिट का यदि बात करते हैं तो 31 मार्च 2019 का जो फाइनेंशियल ईयर था इसमें जो है कंपनी को लॉस हुआ है यहाँ पर लगभग 25 करोड़ कंपनी का 25 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को लॉस हुआ है। और 31 मार्च 2020 को अगर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर लगभग 16 करोड़ का यहाँ कंपनी को नुकसान हुआ है। उसके बाद जो है 31 मार्च 2021 को यदि देखते हैं तो यहाँ पर जो है कंपनी को प्रॉफिट हुआ है लगभग 62 करोड़ का, यहाँ कंपनी को शुद्ध प्रॉफिट हुआ है, शुद्ध मुनाफा हुआ है कंपनी को। तो यही था फाइनेंशियल डाटा कंपनी का। तो अगर यदि होल्डिंग्स की बात किया जाए तो नायका आईपीओ जो है प्रमोटर्स होल्डिंग्स अगर यदि यहाँ पर देखते हैं तो प्री इशू शेयर होल्डिंग जो है 54% का था। उसके बाद जो कंपनी का जो होल्डिंग रह जाएगा 52% का रह जाएगा, यहाँ पर कुछ कंपनी का होल्डिंग्स जो है घटेगा। और इसका अगर यदि रजिस्ट्रार का बात किया जाए तो लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार का है। तो चलिए अब जो है इसका बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये जो है एक लीडिंग ब्रांड है, साथ ही ये जो नायका जो ब्रांड है ये यहाँ पर इंडिया में जो है यहाँ पर तेजी से ये कंपनी जो है राइज कर रही है। तो इसमें अगर यदि आपको आईपीओ मिल जाता है तो ये आईपीओ भी आपको अच्छा कमाई दे के जाएगा, बढ़िया कमाई ये देगा आपको। तो चलिए आज का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम भी देख लेते हैं, जो कंपनी का जो है ग्रे मार्केट प्रीमियम जो क्या चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आज का जो है 24 अक्टूबर का अगर यदि यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखते हैं तो यहाँ पर 670 रुपये का ग्रे मार्केट चल रहा है। उसके बाद जो है कोस्टक रेट अगर यदि देखते हैं तो 650 का यहाँ पर कोस्टक रेट है आज का। तो यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम देख सकते हैं यहाँ पर 670 का चल रहा है, यानी कह सकते हैं यहाँ पर लगभग आपको 40 से 50% यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है। यदि देखा जाए तो यहाँ जो प्राइस जो रखा गया है, प्राइस बैंड जो रखा गया है 1085 से 1125 के बीच में रखा गया है। तो ये जो अलॉट जो होगा आपका मैक्सिमम प्राइस में ये अलॉट होने वाला है। तो इस हिसाब से अगर यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको 50% लगभग यहाँ पर आपको प्रॉफिट अभी दिख रहा है। तो इस आईपीओ में अगर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो है आईपीओ में जब भी अप्लाई करें तो आप एक एक डीमैट अकाउंट से अप्लाई नहीं करें, क्योंकि इसमें जो है मिलने का चांस आपको घट जाता है। इसीलिए अगर यदि फैमिली मेंबर में अगर यदि आपका कोई आदमी है तो जो भी फैमिली मेंबर है उसका आप डीमैट अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा,
और अलग अलग जो है आदमी का आप डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें आईपीओ, ताकि आपका जो है मिलने का जो चांस है उसमें आपका बढ़ जाता है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें जैसे 5 पैसा है, ग्रो ऐप है, इस दोनों में आप फ्री में अभी अकाउंट जो है आप ओपन कर सकते हैं, किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे आप जेरोधाम भी ओपन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, जेरोधाम भी खोल सकते हैं आप, स्टॉक्स में भी खोल सकते हैं आप, जो है एंजल ब्रोकिंग में भी आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। उसके बाद जो है आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही था डिटेल, इस आईपीओ में अगर यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये आईपीओ आपको अच्छी कमाई देने वाला है ये आईपीओ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।